वेलकम टू ईशानी वीडियो। सिलोटाई नागिन में नंदिनी ने कर दिया है विकास का खात्मा, और विकास को खत्म करने के बाद में अब उसके चंद दुश्मन बचे हैं, लेकिन दुश्मनों की फौज धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। विकास को खत्म करने के बाद में अब नागमणि किसके पास में है, नंदिनी को ये पता लगाना है। वहीं राज के मन में काफी ज्यादा सवाल उगल रहे हैं कि आखिर में मेरा अतीत क्या है, और बार बार मैं उस गुफा के पास में क्यों जाता जा रहा हूं, और उसे ये नहीं पता गुफा के अंदर उसकी नागमणि है। और वहीं दूसरी तरफ अब नंदिनी को एक ऐसे वृक्ष के पास में जाना है जिसकी मिट्टी ले जाकर वो अगर आनंद ठाकुर के पास तक रखेगी तो यहाँ पर वो सारा राज उगल देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा आने वाले एपिसोड में खास, क्या यहाँ पर नंदिनी उस मिट्टी को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, और यहाँ पर आखिर में आनंद ठाकुर का राज क्या, आनंद ठाकुर की असलियत क्या है, और पंचशील बाबा का नया यहां पर पैतरा क्या होगा नागिन को पकड़ने के लिए, सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करके हमेशा ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं। आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले एपिसोड में कि राज बार बार ये सोच रहा होगा कि आखिर में मेरा राज क्या है, मेरा अतीत किससे जुड़ा पड़ा है, और वो नागिन बार बार जो मैं सोचता हूं उसके बाद में तुरंत उसी दुश्मन का खात्मा क्यों हो जाता है। और यहां पर वो सोचते सोचते उस गुफा के पास में जाएगा और उस गुफा को खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नाकामयाब रहेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा मंत्रोच्चारण से बंद हो रखी है, और यहाँ पर उसकी सिर्फ एक चाबी है, वो अंगूठियां। और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब काफी ज्यादा परेशान है राज, और वो पूछना चाहता है किसी से अपने सवालों के जवाब, लेकिन यहाँ पर उसे अभी उसके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, वो उसे थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसकी जान सबसे बड़ी मुसीबत में अब पड़ने वाली है, वो एक ऐसी जगह रहा है जहां पर उसके पीछे एक और बाइक वाला पड़ चुका है। अब उसको गोली मारने की कोशिश की जाएगी, लेकिन राज इसमें घायल हो जाएगा। अब राज को कौन बचाएगा, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। क्या नंदिनी बचा पाएगी, आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। वहीं दूसरी तरफ कहानी में मोड़ तो अब आया है, क्योंकि पंचशील बाबा की तपस्या भी पूरी होने वाली है और यहां पर एक नई एंट्री होने वाली है, और साथ ही साथ यहां पर अब सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है, किसी और के ऊपर नहीं नंदिनी के ऊपर। नंदिनी के ऊपर मुसीबत यह आएगी क्योंकि वो जा रही है एक ऐसे वृक्ष के पास में जिसकी मिट्टी चाहिए उसे, और वो मिट्टी पाने के लिए उसके पास जाएगी, लेकिन वो वृक्ष उसे सबसे पहले अपने जाल में कैद कर लेगा, और उसके बाद में यहां पर कुछ सवालों के जवाब देने के बाद में वो वृक्ष छोड़ेगा नंदिनी को। अब आखिर में क्या यहां पर सवालों के जवाब दे पाएगी नंदिनी, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और उसके बाद में रागिनी को एक राज पता चला है आनंद ठाकुर के बारे में, जो कि आनंद ठाकुर की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब आखिर में वो कमजोरी कब पता चलेगी, हम आपको जल्दी ही बता देंगे, जैसे हमें पता लगेगा हम आपको जरूर बताएंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। तो लाइक करना बिल्कुल भूला, और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।